चलो यहाँ कूदते हैं और देखते हैं क्या होता है। काफी स्मूथ चल रहा है गेम तो यार, इतना स्मूथ तो नहीं चलता था ये। अभी नजर लगेगी, अभी लगेगी नजर, देखना कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। मेरा गेम कभी सही चलता ही नहीं। नहीं यार आज तो स्मूथ लग रहा है भाई। कुछ सेटिंग चेंज की है, मैं बता दूं आप लोगों को। कट्टा मिल गया, काफ़ी है। अब कोई आ रहा है यार। पबजी का मज़ा ना जंगलों में। अरे मेरी गन लाल कैसे हुए? मेरी गन लाल है हुए लाल, पर मेरे पास गोली नहीं है। लाल तो है बट गोली नहीं है बेटे लाल। कोई आ गया तो गेम बजा देगा। और मैंने हेडफोन्स नहीं लगा रखे हैं मैंने आज। ब्लूटूथ स्पीकर लगा रखा है। हाँ जी से उठा लेते हैं और एच से भी उठा लेते हैं। नहीं जी से सिर्फ, ये तो नॉर्मल कट्टा है। दूर दूर तक कोई दुश्मन नज़र नहीं आ रहा। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये गेम ऐसा मैं खेलूँगा कि अपलोड करने लायक होगा, बट मैं किसी भी गेम प्ले को ना ख़राब नहीं जाने देना चाहता क्योंकि मैं कम खेलता हूँ। तो अब मैं जब भी जितना भी खेल रहा हूँ उसको मैं कोशिश करता हूँ कि रिकॉर्ड ही कर लूँ ताकि मेरे को चैनल पर डालने के लिए कुछ हो जाए, क्योंकि बाकी चैनल भी चलाने होते हैं तो टाइम थोड़ा कम मिल पाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं खेल ही रहा हूँ, थोड़ा सा टेस्ट कर रहा हूँ सेटिंग में, तो एक मैच हो ही जाए भाई। और फेस कैम भी है ही इसमें तो मज़ा आ जाएगा। इस मंदिर में, ये चर्च में जाके देखते हैं क्या है ये ऊपर, इसमें जाके देखते हैं। और गन ये वाली रखी है। स्मूथ है यार प्ले, मतलब सही चल रहा है। FPS 59 आ रहे हैं, 59 FPS ठीक होते हैं, गुड गुड FPS। 60 FPS को हाई फ्रेम रेट कंसिडर किया जाता है ना। कुछ लोग इस पर भी डिबेट करेंगे कि हाई FPS उसको नहीं बोलते हैं सागर भाई। हाई FPS मतलब 100 FPS। देखो यार पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जिस बेचारे ने स्ट्रगल किया हो कंप्यूटर के लिए, उसके लिए 30 FPS भी बहुत बड़ी चीज़ है। अब जिसने पहले से स्टार्टिंग से ही एकदम पूरे गेमिंग PCs देखे हों महंगे 1.5-2 लाख के, उसके लिए 60 FPS तो बहुत कम है, क्योंकि उसको तो आदत है, शुरुआत थी उसको ऐसी हुई है उसकी कि सब कुछ एकदम हाई एंड हो। बट जो नीचे से उठ के देखता है तो भाई उसको तो आज भी IGI गेम की वो नॉस्टैल्जिया और वो सब रहता है। हालांकि IGI गेम तो सब नहीं खेला होगा ना। IGI 2 काफ़ी डिफ़िकल्ट गेम है मैं आपको बता दूँ, उसको बिना चीट के और सब के खेलना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट लोग हैं उसको। मैं सोच रहा हूँ अपने अपने इस चैनल पे IGI खेलूँ एक बार विदाउट एनी चीट्स एंड कोड्स एंड विदाउट एनी हैक्स। IGI 1 से खेला जाए और पुराने गेम को फिर से यू नो खेल के थोड़ा सा इन्जॉय किया जाए। और वो और अच्छी बात ये है कि वो गेम और मतलब मस्त चलेंगे एकदम। यहाँ से जंप मारे क्या? ये जंप मार दिया। यहाँ से नहीं निकल सकते, यहाँ से निकल सकते हैं। चलते हैं देखते हैं बंदे बंदे कहाँ आएंगे। यहाँ तो मेरे ख्याल से कोई बंदे मिलेंगे नहीं। गोली वोली है यहाँ, ठीक है अच्छी बात है। यूजी ली हुई है मैंने क्योंकि यूजी का फायरिंग रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने सुना है कि ये जल्दी मारती है लोगों को। मैं देखता हूँ मैं हूँ कहाँ। अरे मैं बीचों बीच हूँ यार, काफ़ी फालतू घुमा जा सकता है यहाँ और फिर भी श्रिंक होके अपन एरिया में ही रहेंगे विच इज़ नाइस। और रिकॉर्ड भी 60 FPS में हो रहा है, मतलब आप लोगों को काफ़ी स्मूथ गेम प्ले का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा इस गेम प्ले में।
दौड़े जा बेटा दौड़े जा। इस घर की लूट देखते हैं। सब मार रहे हैं, देखो बिबाउल 13 को मारा किसी ने, बॉट था कि नहीं पता नहीं। ये क्या उठाया इसने? अच्छा अब ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ करने का नुकसान ये है कि थोड़ा सा वॉइस डिले है, तो अपने फुटस्टेप से ऐसा लगता है जैसे कोई एनिमी आ गया है, तो मैं हर वक्त एकदम अलर्ट हूँ। ये क्या लिखा है? मिल्क रोड, दूध वाली सड़क, दूध सड़क, ट्रांसलेट करें तो दूध सड़क। कहाँ हो तुम? मैं हूँ दूध सड़क पे। हुल्ले हुलारे हुल्ले हुल्ले हुल्ले। अब कोई आ जाए मेरे पास बेटे। अब कितना स्मूथ है। अब बस कोई एनिमी आ जाए। मेरी ना मैंने सेटिंग ज्यादा कर रखी थी, मतलब मैं तो वहीं आ गया वापस। मैं ना इधर फंस चुका हूँ मैं इस एरिया में, है ना। एनिमी कोई आ नहीं रहा है यहाँ, पुचिंग की चलते हैं। चलो लेट्स गो टू पुचिंग की, पोचिंग को। उसके लिए तो कार चाहिए। इसको लेके मतलब ऐसे दौड़ते हैं, खुले आम दौड़ते हैं। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। हाँ पोचिंग की स्कूल सब वहीं है। यहाँ तो मुश्किल से ही कोई आता होगा इस एरिया में। एक माइंस है वहाँ पर, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे पूरा नीचे गड्ढा जैसा बना होता है उस मैप में। वार्निंग, रेड जोन है स्टार्टेड। कितने साल हो गए पबजी को निकले हुए? वैसे अब भी पबजी ही बोलते हैं इसको, हालांकि यह है BGMI, लेकिन वो एक बार नाम चढ़ गया जुबान पे तो पबजी ही निकलता है। क्या बोल रहे, पबजी खेल रहे। वैसे है भी चीज़ ये, वही नाम बदल दिया है बस, और कुछ तो बिल्कुल बदलाव दिखा नहीं इसमें। हाँ वो दिवाली वगैरह के कुछ ऑफर वगैरह हैं इसमें कि एक बार दिया ढूंढेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा वो भगवानी मालिक है। मतलब वो कॉस्ट्यूम वगैरह, शायद प्रीमियम कॉस्ट्यूम परमानेंट वाले। तो दिया कहाँ ढूंढना है मेरे को तो यहाँ कोई। ये क्या है? तो ये दिया तो मेरे को मिला नहीं, तो आइए देखें क्या होता है। यहाँ भी फंस गए हम यार, ये निकल क्यों नहीं पा रहे हैं यहाँ से? एक भी बंदा क्यों नहीं है? सब लोग दीवानी बनाने गए हैं क्या? तो फिर बॉट तो होंगे, बॉट भी तो नहीं दिख रहे ना। अरे ओ दिख जा बॉट जी, दिख जाओ, तुम कहाँ गए हो? खुली धमकी दें क्या लोगों को आने के लिए कि वहाँ आ जाओ, देख लेंगे तुम्हें, खोल के रख देंगे। पहले मैं खेलता था सबके साथ तो वैसे ही धमका देता था सबको कि अरे हिम्मत है तो वो पोचिंग की आओ, तुमको खोल के रख देंगे, हम लोग प्रो प्लेयर हैं। ए ओए सही में कोई है? ये मारा एक। चलो कोई तो देखने को मिला। अब ये शायद बॉट था कि सामान बहुत बिजोड़ लाया है भाई। इसके पास तो मास्क है,
पैंट शर्ट, ओ आवाज़ आ रही है यहाँ, गोलीबारी हो रही है। अरे यहाँ से तो हम आए, पर यहाँ हमें तो कोई नहीं दिखा, हमारे लिए थोड़ी बैठे रहेंगे वो, बात भी है, हमारे लिए थोड़ी बैठे रहेंगे, हम लोग भी चला देते हैं यहाँ से। हवा में वो लोग हमें ढूंढते हुए आएंगे, बस हम लोग यहाँ निकलते हैं। वैसे भी यहीं तो जा रहे थे हम, इन घरों की तरफ। दरवाजा उड़ा देते हैं, गोलियां खराब नहीं करनी। SMG या क्या पिक किया हमने, एनर्जी ड्रिंक, ऊपर चढ़ के देखते हैं यहाँ पर। यहाँ से ना ये जो पूरा मैदान दिखता है, तो यहाँ से बहुत दूर मारा जा सकता है ऐसे हवा में। एनिमी तो नजर ही नहीं आते यार इस गेम में, फालतू घूम रहा हूं मैं। मेरे हिसाब से ना मेरे को बैठ जाना चाहिए एक जगह। मैं कहाँ आ चुका हूँ उसे मैं देखता हूँ। चलो स्कूल में रेड मारते हैं, स्कूल चलते हैं भाई। खाली टापू पे 100 लोगों को भेजा जाता है, वो आपस में लड़ते हैं। यहाँ पर शायद न्यूक्लियर कुछ रेडिएशन छूटी थी, इसलिए सब लोग चले गए, सब अपने घर को एज इट इज़ छोड़ के चले गए। उन 100 लोगों के अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं। ये जयवीरू की गाड़ी ले लेते हैं। ये हम आ गए स्कूल, अरे खुला हुआ है। मुझे लग रहा है यहां भी कोई नहीं आया यार। ओए गोली चली, यहां है कोई? आ रहा है, आया आया।
आएगा आएगा, नहीं आया यार। ऐसे फेस करके जाना चाहिए ताकि सामने आए तो हम भी गोली चला सकें। अब वो जैसे हमें डरा रहा था, हम उसे डरा रहे हैं, हमारे फुटस्टेप आ रहे होंगे उसको। वो भी सोच रहा होगा कौन है, चल रहा है, इतना हमले नहीं कर रहा है। कहाँ गया वो? अरे फ्लेयर गन चलाई किसी ने, वहीं चलते हैं। वेस्ट 285। वहां चलते हैं। अरे ये कहां जा रही है? उछल रही है। यहां तो कुछ भी नहीं है। मास्क पहना हुआ है। ये बढ़िया गाड़ी मिल ही नहीं रही है, क्या करें? देखते हैं रास्ते में मिलेगी तो। यहाँ से भी बंदे दिखते हैं इस टाउन में, इस गांव में हमेशा एक ना एक बंदा दिखता ही है। मैं अब तक जितनी बार भी इधर आया हूँ ना, बिना बंदे देखे गया नहीं हूँ यहाँ से। ये ऐसी जगह है कि यहाँ बहुत घर है। मेरे पास कोई बम है? हैव ग्रेनेड, मारता हूँ। ये गया, ये आ रहा था चुप चुप के यहाँ से। मैंने बोला ना, यहाँ मैं कभी बिना बंदे देखे नहीं गया, यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ रहता है।
हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है। हमें निकलना चाहिए यहाँ से अब। एरिया हमारा श्रिंक हो रहा है, भाग लेते हैं यहाँ से। गाड़ी अच्छी हो तो डिस्टेंस कितना ही बड़ा हो आराम से कवर हो जाता है, गाड़ी ना हो पैदल हूँ तब पता चलता है एरिया क्या होता है, मतलब जोन क्या होती है। बहुत बुरी तरह काटती है फिर जोन, वो भी ऐसे लास्ट मोमेंट पे। यहाँ तो बंदे लग रहे हैं मुझे शायद। आओ इन बंदों को अंडा खिलाएं। इसके पीछे एक है, मार दिया वो किसी ने। अबे मतलब पीछे से हम लोग गलत आ गए। गलत आ गए बे। कौन है भाई? उसने इन्फॉर्म कर दिया होगा इनको। वहां भी है क्या? नहीं है। हम तो AKM ही रखने वाले हैं अब। रिकॉइल भी झेल लेंगे, सब कुछ झेल लेंगे, चिकन डिनर ले के निकल लेंगे। समझिए क्या, इन लोगों के पास कोई सूट भी इन लोग का पहन लेंगे, कपड़े अच्छे पहनेंगे क्योंकि मारा है, गोली मारे हैं, फ़ायदा लेंगे। कौन? अरे कौन मारा भाई? अच्छा ये बचा था लालू, कोई बात नहीं, थर्ड प्लेस आई है, गुड गेम लिख दो। बहुत बढ़िया, शाबाश। लोन वुल्फ, नाइस।